गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू हिमालयन डायरीज़। और अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सर्दियों के साथ में ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैंने तो देखिए गर्म जैकेट पहन रखा है। आप सभी भी जो है वो वार्म वार्म क्लोथ्स पहन के रखिए, क्योंकि जो वायरल है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है आजकल। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। अव्या जी, मजे आ रही जी आपको? ऐसे मुड़ जाओ जी आप ना। अच्छे, गुड गर्ल मम्मा। बेटा खड़े उठोगे ना तो गिरोगे, ऐसे रहो अभी। मैं शायद झुक नहीं पकती है मामा जी की। नो अव्या। तो जी अव्या जी जा रही है मार्केट। अव्या कहाँ जा रहे हो बेटा? मार्केट। और अब पहनाए जाएंगे अव्या को शूज। अव्या के शूज बेटा, ये खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो जी ये अव्या जी ने पहन लिए शूज और अब अव्या जाएगी मार्केट पापा के साथ। क्या लेके आओगे मामा? क्या लेके आओगे मार्केट से मम्मा के लिए? क्या लेके आओगे? लो जी, बाय करो अव्या। बाय बाय बेटा, जल्दी आना। बाय बेटा, ठीक है। कैसे लग रही हो अभी? आपने इसको ऐसे उससे बेरहमी से क्यों पकड़ा है? अव्या जी आ गए जी, आप कहाँ तक पहुँचे थे जी? बाजार तक पहुँचे हैं ना। मेरे को लगा कि आप आगे रख गए। अरे भारी बात, देर लगाई आपने ज्यादा। मैं भूल रहा हूँ। अरे नारे नारे। और ये बन रहा है इस सर्दियों का पहला गलगल। गलगल नहीं है पर ये नारंगी है ये। चलो गलगल ही फीलिंग ले लो ऐसी कि ये गलगल है जिसको बनाया जा रहा है मिस्टर भास्कर के द्वारा। अव्या आपको पता है अव्या की गलगल क्या चीज है? पर देखो दादा, पर देखो, पर पता है बेटा आपको? हेलो खट्टा, जिसको कि पापा के द्वारा बनाया जाता है उसे गलगल कहते हैं। पापा के द्वारा, हमेशा पापा के द्वारा नहीं बनाया जाता। एक पीस आप भी टेस्ट करो मेरे पुत्र। अभी के मैंने इसके हाथ धोए हुए यार। सुनो आपने इसमें सब कुछ डाल दिया है? क्या क्या डाला? क्या डाला? पुदीना डाला है, मैंने इसमें चीनी डाली है, और मैंने इसमें साथ ही साथ नमक ऐड किया है, और मैंने इसमें लाल मिर्च का प्रयोग किया है क्योंकि मेरे पास आज हरी मिर्च नहीं है, तो मैंने सोचा खाना ही है। चलो मैं क्या कुछ ना कुछ ऐसे डाल देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि अभी ये टेस्ट हो रहा है अभी। आजा मैं ऊपर। खट्टा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, पर क्या है उससे ज्यादा ना मेरे को दर्द हो रही है उस अंगूठे में। चीनी नहीं चाहिए, चीनी बहुत है पा। चलो फिर भी चीनी डाली कल, ठीक है भाई आ रहे हो। अब हो गया, इसको मत खिलाना आप कुछ भी। ए ना खाओ, जब भी ऐसी चीज खानी हो तो दोस्तों मुरब्बा अगर आप खाते हो चबा के खाओ। दोस्तों मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप चली गई है बाहर और अभी हीटर लगा के भी जो है वो ठंड कम नहीं हो रही है। तो मैं अब रेडी होने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ रिटायरमेंट पार्टी में। मैं क्या, मैं मम्मी और हस्बैंड, हम तीनों जा रहे हैं, दोनों बोल दिया था मैंने, हम तीनों जा रहे हैं। और रिटायरमेंट पार्टी कहाँ पे है? पल्ले मोहल्ले में है। और किसकी रिटायरमेंट पार्टी है? तो जो पापा है, पापा की गॉड सिस्टर है, उनकी रिटायर, उनके हस्बैंड की रिटायरमेंट पार्टी है। वो टीचर थे तो आज वो रिटायर हो रहे, रिटायर तो शायद से वो
दो तीन दिन पहले हो चुके हैं, पार्टी आज दे रहे हैं वो। तो गाइस हम चल पड़े हैं बहुत ही दूर, दूर के लिए नहीं बहुत ही नज़दीक के लिए, यहीं 5 मिनट है ना अम्बेडकर भवन तक, यहीं पर ही दे रहे हैं वो अपनी रिफ्रेशमेंट जो भी है। मैं मम्मी और इधर देख। अच्छा आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं कहा आएंगे तो फिर तब तक यहाँ पे बैठता हूँ। ठीक है जी। मैं क्या जाना आपके बगैर भी। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, आपके बगैर जैसे आप जाते ही नहीं कहीं। चलो और मम्मी कर रहे हैं मासी को फोन, हम साथ में जाएंगे। तो और इधर देखो लोग चोरी चोरी से आके जाके, हमारी मम्मी चोरी चोरी से जाती है। तो चलो जी हो जाए। ये है हस्बैंड की मासी जो कि अब गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट पार्टी है वो है ये बुआ और मामा, और अब जो गिफ्ट दे रहे हैं वो है हस्बैंड की बुआ और मेरी मासी। अभी समय हो रहा है 7 बजे का और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। क्यों नहीं आ रहे, आ रहे हैं ऊपर से आओ आप। कोई ज्यादा दूर नहीं है, हमारा घर थोड़ी दूर पर है, दूरी पर है, और हस्बैंड जो है वो पहले ही चले गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, अंधेरा है ऊपर। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हम लोग गए थे रिटायरमेंट पार्टी में और फिर अब वापस भी आ चुकी है, तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अंधेरा तो हम लोगों को वहीं पर ही हो गया था। तो आज खाना वाना जो है वो मेरा तो पेट फुल है, मम्मी का भी पेट फुल है, उनका भी पेट फुल है, पापा और विपू के लिए ही बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले व्लॉग का एंड कर देती हूँ आज, और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करती हूँ आप सभी से। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मेरे जो है वो 1000 सब्सक्राइबर कर दिए हैं। तो मैं बहुत दिनों से मतलब कि बोलना चाह रही थी ये, बट फिर मेरे मतलब कि पुराने पुराने व्लॉग पड़े रहते हैं, फिर वो उनको एडिट किया, उनको अपलोड किया, तो आज सोचा मैंने कि नहीं आज तो बोलना ही है मुझे यार। जिन लोगों ने मतलब कि मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली तो जिनको मैंने बोल बोल के चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोला, और जिन लोगों ने अपने उसे सब्सक्राइब कर दिया, उन लोगों का भी थैंक यू सो मच सभी का। ऐसा ही प्यार आगे भी मुझे दीजिएगा, और मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार और ज़्यादा फले फूले और ज़्यादा बड़ा परिवार हो जाए, मेरी YouTube फैमिली। और आप लोग मुझे अब कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप जिस तरह की वीडियो डालिए, चैलेंज वीडियो या जो भी, मैं आप सभी के लिए न्यू कंटेंट लेकर आऊँगी अब। और होता ही है ना कि यार जब आप किसी चीज़ की जर्नी शुरू करते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब की, आप कहीं भी कोई भी काम करते हो, आपका मन तभी लगता है जब आपको वहाँ से जो है वो अच्छा आउटपुट मिलता है। तो वैसे ही मेरा भी है कि जब ऐसे हो गया ना कि यार चलो इतने सब्सक्राइबर हो गए, हाँ जी अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सामने से भी जो है वो रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोगों को शायद से मैं पसंद आ रही हूँ, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मुझे भी खुशी हो रही है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। अभी मेरे पास थोड़ा सा छोटा बच्चा है तो मैं इधर उधर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं मतलब कि जो मेरे आस पास का है डेली रूटीन है वही शेयर कर सकती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं निर्मण से हूँ, और निर्मण को छोटी काशी भी बोलते हैं। निर्मण एक ऐसी जगह है, धार्मिक जगह है, सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंटेंट है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अबू अगर हम यहीं पर भी यहाँ से वहाँ घूमेंगे ना तो भी हम बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं लोगों को, स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उन लोगों को तो पता है, बट जो यहाँ से बाहर के लोग हैं ना वो लोग जो है वो हम लोगों को, मुझे लगता है मेरे इस
हिसाब से कि शायद से पहाड़ों को करके और यहाँ की जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उसको ज़्यादा देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो शेयर करने की कोशिश करेंगे हम आप सभी के साथ। और निर्मल से अच्छी जगह तो मुझे नहीं लगता कि और कोई भी होगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और ज़्यादा ना बोलते इस ब्लॉग का भी एंड कर देती।